आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। सिख धर्म की रक्षा करने के लिए अपने परिवार को त्याग करने वाले और दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने वाले सिखों के 10वें और आखिरी गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह की जयंती को देश भर में प्रकाश पर्व के नाम से मनाया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह की कहानी सुनिए प्राइम टीवी के जुबानी। सिखों के 10वें गुरु का प्रकाश पर्व। संत सिपाही कहलाए गुरु गोविंद सिंह। दुनिया को बताया पांच ककार का महत्व। धर्म के लिए संतानों को किया कुर्बान। प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी का ऐलान। 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों सो में बास तड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इतिहास गवाह रहा है कि देश की आजादी के लिए सिख कभी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटे, जिनमें सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का नाम भी शुमार है, जिनका जन्म पटना के साहिब में हुआ था और इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की रक्षा के लिए कई बार मुगलों का सामना किया था, जबकि सिखों के 5 ककार जिनमें बाल, कड़ा, कच्छा, कृपाण और कंघा शामिल है, जिसको धारण करने का आदेश भी गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया था और इसे धारण करना सभी सिखों के लिए जरूरी होता है। गुरु गोविंद सिंह ने संस्कृत, फारसी, पंजाबी और अरबी भाषाएं भी सीखी थी, साथ ही उन्होंने धनुष बाण, तलवार, भाला चलाने की कला भी सीखी। जबकि गुरु गोविंद सिंह एक लेखक भी थे, उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की थी, जिसके कारण उन्हें विद्वानों का संरक्षक माना जाता था। कहा जाता है कि उनके दरबार में हमेशा 52 कवियों और लेखकों की उपस्थिति रहती थी, इसीलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। ये सिखों के वही गुरु हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी चारों संतानों को देश पर कुर्बान कर दिया था। 6 दिसंबर को दो साहिबजादे मुगलों के साथ लड़ते हुए चमकौर में धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे, जबकि दो छोटे साहिबजादों को धर्म परिवर्तन नहीं करने के कारण मुगल बादशाह औरंगजेब के हुक्म पर 28 दिसंबर को दीवार में चुनवा दिया गया था। दोनों साहिबजादों की कुर्बानी आज भी देश के लोगों के लिए उदाहरण है, जो उनको देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए प्रेरित करती है। यही वजह है कि गुरु प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने बड़ी घोषणा करते हुए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर ये साहिबजादों के साहस के लिए श्रद्धांजलि है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी लखनऊ के नाका गुरुद्वारे पहुंचकर प्रकाश पर्व के अवसर पर मत्था टेक कर अरदास की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने देश के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराया है। प्राइम टीवी। गुरु गोविंद सिंह की जयंती को धूमधाम से घरों और गुरुद्वारों में कीर्तन करके मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह को ज्ञान, सहन क्षमता और दूरदृष्टि का मिश्रण माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और सच्चाई के लिए समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाएं सिख धर्म के साथ दूसरे धर्मों के लोगों के लिए आज प्रेरणा का स्रोत हैं। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।